सानू भैणा नू भरा तो दूर किया जा रहा है। भैणा नू कहिंदे कि तुसीं उत्थे वड़ नहीं सकते, अपने रिश्तेदार ने कुछ जो भी आ साडे भूआ जी ते बेटे हो गए, ताया जी ताई जी सब जिहड़े आ कि सानू साडे भरा तो दूर कर रहे आ, ना तो सानू मिलन दे रहे आ। पापा दे मरन तो बाद असीं उत्थे गए सी, सानू उतों गालां कढ के गल्लां बातां करके सानू उतों कढ दित्ता गया। साडे भरा नू वी साडे हुंदिआं साडे तों खिच के लै गए आ कि तुसीं मिल नहीं सकदे, सानू इतों तक कह रहे, साडे भरा नू इतों तक सिखा रहे कि तुहाडीआं भैणां तुहानू मार देणगीआं, तुसीं आपणीआं भैणां दे कोल नहीं जाणा। मेरा नाम तजिंदर कौर है, मेरे पेके मैनू सुखत राय खुरद है, अं दोवें भैणां वेहियां हुई हैं। 22 फरवरी नू मेरे पापा की डैथ हो चुकी है और डैथ तो बाद मेरा भरा एक गूंगा बोला और उन्हों यह कि जेडे रिश्तेदार ने वो उतों लै गए ने और सानू दोनों भैणों ही जो पापा की डैथ हो गई उन्होंने 10-15 दिन तो बाद ही अं जो भोग पै गया दोबारा वापस उत्थे गई वा। साढ़े दो भूआ जी ही उन्होंने सानू जो भी है साढ़े ताया जी का बेटा सारे रले हुए हैं, सारे ने सानू उतों गाला कढ़ के बुझाता कहें कि तुम इतने नहीं आना, तो भरा साडे नू उतों लै गए। भरा का सुन सानू पता नहीं कितने आ कि सानू मिलन भी नहीं देंगे और हुण सानू यह आ कि जदों पापा जींदे सी उन्होंने अपनी वसीयत जिहड़ी सी साढ़े भरा दे नाल करती ही, हुण सानू यह डर आ कि वह साडा जिहड़ा हुण सानू यह डर आ कि वह जिहड़ी जमीन आ कि वह उहदे कोलों अपने नां ना करवा देण जां उहनू वेच ना देण, कि सानू यह डर आ। अं चाहते हाँ कि जिहड़ी साढ़े भरा की जमीन आ उहनू उहदे कोल रहे, उह साडा भरा उत्थे रहे, जिहड़ा पापा ने साडे नाल घर बनाया अं भी उत्थे जाइए, उहदा विआह होवे। तो हुण वेखो कणक लै गए तूड़ी जो भी ठेके ते पैली थी सारा कुछ उन्होंने कोल आ कि जदों पापा जींदे ही उदों तो कोई आउंदा नहीं, तो हुण जदों उन्हां दी डैथ हो चुकी है सारे उत्थे कब्जा करके बैठे ने। बेटा रिपनजीत सिंह, गगनदीप सिंह ताए दा बेटा और भूआ जी और राणा संधु जो कि भूआ जी का जवाई है, इस टाइम सारी उन्हां दी उत्थे चलन डी आ। साढ़े भरा दे फोन चों साढ़े नंबर ब्लॉक किए गए ने कि ना भैणां दा कोई कॉन्टैक्ट होवे, तो भरा नूं इन्ना मोटीवेट अपने तक किया आ कि उन्हों केंदे कि तुहाडियां तेरियां भैणां ने जे तू उन्होंने मिलिया जा गया तो उन्होंने तेनों मार देना। ये चाहते हैं कि साडा भरा सानू दोवें भैणां नूं दिता जाए, ठीक है। असीं उत्थे नहीं भरा नूं रख सकते, अं चाहते हैं कि भरा साडा साडे कोल साडी निगरानी हेठ रहे, असीं अपने घर रखांगे, जिद्दां वी उत्थे आऊगा जाऊगा। सानू सब नूं डर है कि गूंगा बोला हैगा, उन्हें रात बराते कुछ भी कर सकते हैं, कल साडे भरा दा कोई नुकसान हुंदा आ, उन्हूं कोई मार दिंदा आ, ते इह साडा जो भी इतने आप SSP तक दरखास्तां दित्तियां होईयां ने यह सारे जिम्मेवार होणगे जे साडा नुकसान जां साडे भरा दा नुकसान हुंदा आ। 3 महीने नहीं होए साढ़े प्यो मरे नूं ते जमीना वेचण दीआं गल्लां करन लग गए ने, कदी उत्थे वेच दांगे कदी उहनूं इन्ना, इन्हां ने इत्थों तक कि इन्हां ने पैली का सौदा तक कर लिया, 1,00,000 नूं वेचणी आ, इत्थे वेचणी आ, इदां विच साडे कोल सारे सबूत हैगे ने इन्हां खिलाफ। सिर्फ अपने भरा की मंग कर रहे हैं, अपने घर की मंग कर रहे, ना तो किसी के घरों लैन गए हैं, ना इन्हों को कुछ मंग रहे हैं। असं यही कहने कि हाथ जोड़ के बेनती है कि साडा भरा सानू वापस दे दो, सानू कुछ नहीं चाहिए होर, तुम अपने रस्ते ही अपने रस्ते, साडे घर दे विच ना कुछ लैके जाओ ना सानू कुछ दो, सिर्फ सानू साडा जो कुछ हैगा वो वापस कर दो। साडे प्यो ने बहुत मेहनत कर करके साडी मां सिर ते नहीं कोई रोटी खवाउण वाला नहीं कोई पानी देण वाला नहीं, बहुत मुश्किल के नाल ना जमीन जायदाद बनाई है। प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती है कि साडे घर दे विच ना कुछ लैके जाओ ना साडे भरा नूं खोवो साडे तों, साडे वास्ते सिर्फ साडा भरा रह गया, ना मगर मां आ ना साडा प्यो आ, साडा भरा रह गया उहनूं साडे वास्ते रहण दो। मैं तो यह कहना जी, मैं धर्म सिंह मैं दा फुफड़ हाँ, अपने हाथी वसीयत करवा के मुंडे का नाम करवा गया, मुंडे जमीन जी ये नाम मुंडे चढ़ निकला जी, मुंडे नाम पैली चढ़ गए, जे वेचिए तो अं दोषी हाँ, असं मुंडे ने पालिया असं धेला भी खाने तैयार नहीं, असं खून नहीं पी सकते, असं अमृत सिख हाँ, असं पैसा नहीं खा ना पैली उसकी वेचा कभी पैसे मुंडे नहीं खा सकते ना सानू 1,000 रुपये पैसे ना ही पैली वेची वे ना चढ़ाई जी। फिर ये नवी दरखास्त है जी, 1 तरीक नूं मार्क हुई है साढ़े को 5-6 दिन पहले पुजी है, ये दोनों धिरों नूं टाइम दिता जे पार्टियां इकट्ठिया नहीं हुई, 13 तरीक का टाइम है, 13 तरीक नूं इकट्ठे करके फिर इन्हों का देखते हैं। इन लड़की दोनों भैणों वालों दरखास्त आ कि साढ़े भरा की जमीन हड़प्पण करके उन्हों कुछ वे रिश्तेदार उन्हें रखे उन्होंने दोनों बुला जी, वेरीफाई करते हैं, लड़का भी जीना जागता वो बोलता तो सुनता नहीं है शायद, तो इतों तक मैं पता लगा भी शायद वो पढ़िया लिखा वा, इस करके रिटर्न च पुछ लाँगे, लिख के पुछ लाँगे उन्होंने भी की उसका कोई वादा घट होया, बाकी दोनों धिर इकट्ठिया होनगियाँ उस तो बाद क्लीयर होएगा कि कौन सही है कौन गलत है।